के स्वामी को श्री राम कहते हैं, जग के स्वामी को श्री राम कहते हैं, संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं। हाँ, संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं। जग के स्वामी को श्री राम कहते हैं, संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं। जब दुनिया वाले तुम्हें ठुकराए तो बालाजी का ही नाम बचाए, तो बालाजी का ही नाम बचाए, तो बालाजी का ही नाम बचाए। जो कोई अपना तो ठोकर लगाए, बजरंगी बाबा ही पार लगाए, मन से। हाँ, सच्चे मन से जो इनका ध्यान करते हैं, सच्चे मन से जो इनका ध्यान करते हैं, संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं। दुनिया के सारे काम इनके हैं वश में, बजरंग जो चाहे हो जाए वो क्षण में, बजरंग जो चाहे हो जाए वो क्षण में, बजरंग जो चाहे हो जाए वो क्षण में। अष्ट सिद्धि नव निधि के हैं दाता, बल बुद्धि विद्या और भाग्य के विधाता, वेदों के सारे ये ज्ञान कहते हैं, वेदों के सारे ये ज्ञान कहते हैं, संकट जो काटे हनुमान कहते हैं। निर्धन को मेरे बाबा धनवान करते, निर्बल को मेरे बाबा बलवान करते, निर्बल को मेरे बाबा बलवान करते, निर्बल को मेरे बाबा बलवान करते। तन की पीड़ा सारे रोग मिटाते,
की भंवर में नैया पार लगाते, इनके मन मंदिर, हाँ इनके मन मंदिर में श्री राम रहते हैं, इनके मन मंदिर में श्री राम रहते हैं। संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं, संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं, संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं। जग के स्वामी को श्री राम कहते हैं, संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं, संकट जो काटे उन्हें हनुमान कहते हैं, संकट जो काटे। प्राण तुम आके बचा लो उसके प्राण, बड़ी देर भई बड़ी देर भई। सभी राम कथा प्रेमी बंधुओं को जय श्री जय श्री राम। आइए भक्तों, आज आपको रामायण की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। पापी रावण मां सीता का हरण करके लंका में ले गया है। श्री हनुमान जी ने मां सीता का पता लगा लिया है और अब पूरी श्री राम सेना लंका पर चढ़ाई करने जा रही है। 100 कोटि का समुद्र कैसे पार करेंगे? समुद्र देव ने ही रास्ता बताया कि आपकी सेना में नल और नील नामक जो वानर हैं, उन्हें वरदान प्राप्त है कि वे अपने हाथों से जो पत्थर समुद्र में फेंकेंगे वो डूबेंगे नहीं, आप ही तो तिर जाएंगे। बस फिर क्या था, समुद्र पर सेतु बंधन की तैयारी होने लगी। सभी वानर, भालू और तमाम सेनानी बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर लाकर नल नील को देने लगे। नल नील उन पर श्री राम का नाम लिखते और समुद्र में छोड़ देते और वरदान के अनुसार वो पत्थर तैरने लगते। प्रभु श्री राम ये सब देख रहे थे, सोचने लगे यदि कुछ पत्थर मैं भी समुद्र में डाल दूं तो सेतु बंधन जल्दी हो जाएगा और लंका पर चढ़ाई करके सीता को शीघ्र अति शीघ्र छुड़वा लिया जाएगा। प्रभु ने कुछ पत्थर उठाए और समुद्र में डाले, परंतु ये क्या, वे पत्थर तैरे नहीं बल्कि डूब गए। श्री राम जी कुछ हैरान कुछ उदास होकर सोचने लगे। फिर इसके हल हेतु उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान को अपने पास बुलाया और ये प्रश्न पूछा कि हनुमान क्या कारण है कि तुम लोग जो पत्थर समुद्र में छोड़ रहे हो वे तो तिर रहे हैं, परंतु मैंने जिन पत्थरों को समुद्र में डाला वे तिरे नहीं बल्कि डूब गए। हनुमान जी प्रभु के चरणों में बैठ गए और प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु ये सब आप ही की लीला है, आप ही की माया है, आप सब जानते हैं परंतु अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। प्रभु आज यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण है कि आपके नाम लिखे हुए पत्थर समुद्र में तिर रहे हैं और जिन पत्थरों को आपने स्वयं अपने हाथों से समुद्र में डाला वे डूब क्यों गए।
पकड़ोगे आप तो तिरेगा वही, जिनको छोड़ोगे ना तो वो तो डूब जाएगा, जिनको पकड़ोगे आप तो तिरेगा वही, हो जिनको छोड़ोगे ना तो वो तो डूब जाएगा। निर्जीव पत्थर ये सागर किनारे, श्री राम नाम से तिर गए सारे, अरे निर्जीव पत्थर ये सागर किनारे, श्री राम नाम से तिर गए सारे, नाम के सहारे वो तर जाएगा, नाम के सहारे वो तर जाएगा, जिनको छोड़ोगे ना तो वो तो डूब जाएगा। चरणों में बैठकर हनुमान जी फिर प्रेम से बोले, प्रभु ये आप ही के नाम का प्रताप है, ये आप ही के नाम की माया है, जो मैं तुच्छ वानर आपका कुछ काम कर सका प्रभु, वरना ये 100 योजन का समुद्र मैं एक छलांग में कैसे लांग सकता था, कैसे उस पापी रावण की लंका में मां सीता का पता लगा सकता था, कैसे अशोक वाटिका उजाड़ता, कैसे उस लंका में आग लगाता, प्रभु मेरी कोई भी साथ नहीं है, ये आप ही के नाम का प्रताप है, आप ही की माया है प्रभु। राम राम जपते फूंक दी लंका, असुरों को मारा मचा दिया डंका, राम राम जपते फूंक दी लंका, असुरों को मारा मचा दिया डंका, नाम की महिमा से सब पाएगा, नाम की महिमा से सब पाएगा, जिनको छोड़ोगे ना तो वो तो डूब जाएगा, हनुमत की प्रभु मुस्काए, राम जी हनुमत को गले से लगाए, सुन बातें हनुमत की प्रभु मुस्काए,
राम जी हनुमत को गले से लगाए, भक्त शिरोमणि तू कहलाएगा, भक्त शिरोमणि तू कहलाएगा। जिनको छोड़ोगे, जिनको छोड़ोगे नाथ वो तो डूब जाएगा, जिनको पकड़ोगे आप तो तिरेगा वही, जिनको छोड़ोगे, जिनको छोड़ोगे नाथ वो तो डूब जाएगा।